हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनी प्रॉफिट में। जैसे तो अगर हम आपको बताने वाले हैं कि फोर्ड वर्ल्ड 11, जहां सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि कंपनी का कहना था कि 20 तारीख को कंपनी सारी सेवाएं स्टार्ट कर देगी और 20 तारीख को अपडेट देकर के अगले दिन 21 तारीख को कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और मैंने जो अपने SW11 के मेन लीडर से बात की, उन्होंने क्या बोला ये भी हम आपको सुना देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर चैनल पर आप हमारे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन को भी दोस्तों जरूर ऑन कर दें ताकि आपको आने वाले समय में लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ SW11 के बारे में, जहाँ सारे लोग परेशान थे 20 तारीख को अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि कंपनी ने अपडेट यानी कि सारी सेवाएं फिर से दोबारा चालू करने वाली है और बहुत ही जल्द आपको अच्छी इनकम भी यहाँ पे SW11 में करने को मिल रही है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग यानी कि लॉकडाउन के पहले जो कंपनी ने ऐसे लॉकडाउन में जैसे ब्रेक लगा दिए थे और कंपनी सारी सेवाएं स्थगित कर दी थी, उसी प्रकार से कंपनी 20 तारीख के बाद यहाँ पे सारी सेवाएं फिर से चालू कर देगी। आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि आप लोग इतने परेशान हो गए थे कि लॉकडाउन के बाद में कंपनी की तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे, कंपनी ये हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी आगे अपडेट नहीं दे पाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि हो आपके यानी कि SW11 जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद में कंपनी ने 50 दिन के लिए कंपनी सारी सेवाएं बंद कर दी थी, जब आप लोग इतने परेशान नहीं हुए थे। आज कंपनी के आज कंपनी के ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उस चक्कर से कंपनी ने 20 दिन 22 दिन के लिए कंपनी ने यहाँ पे सारी सेवाएं स्थगित कर दी थी और आप लोग कितने परेशान हो गए। तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। नमस्कार जी। जी रानू जी बोलिए, कैसे हैं? हाँ ठीक है जी। अभी तो घर में आ गए कि वहीं हॉस्पिटल में? सर हॉस्पिटल में है अभी। और सब लोग ठीक हैं? हाँ वैसे ही है सर अभी। अच्छा, आगे का क्या प्लान है सर सिस्टम का? दोपहर में पता लगेगा, टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद करेंगे इसके लिए। हाँ अभी तो क्लियर नहीं हो जाता मेरे को, मैं कैसे घर जा सकता नहीं बाहर जा सकता सर। अभी तो साइट भी बंद हो गई है। साइट का ना सर्वर डाउन हो गया, मेरे को नहीं पता लगा। हाँ। भी नहीं देख पाई, बोल दिया मैंने 10-15 मिनट में हो जाएगा वो। हाँ बोल दिया मैंने। अच्छा, और ये जो विनिंग अमाउंट है वो लोग विड्रॉल ले सकते हैं कि नहीं? अभी बंद रहेगा वो, पता नहीं सर उसमें कितना बैलेंस है सीएफ के अंदर, मैं अब चेक करके भी बता पाऊंगा, चेक तभी होगा जब यहाँ से निकलूंगा बाहर, तो अभी तो नहीं पता कर सकता। अच्छा, तभी एक दो दिन रहेंगे हॉस्पिटल में ही ना सर? कल दोपहर में पता लगेगा, जब रिपोर्ट आएगी ना तब पता लगेगा कि क्या है। मतलब हम लोग एकदम ओके रहे ना? ओके मतलब एकदम काम हम आगे तरफ हम लोग स्टार्ट रखे ना सर? हम भी तो बैठे हुए हैं, हम क्या मतलब बीमारी ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ दिक्कत है बीमारी में, इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। मतलब यहाँ से जैसे कल आप लोग निकलेंगे उसके बाद मान लीजिए कल निकला तो परसों से या उससे अगले दिन से स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव आ गई तो 3-4 दिन 5 दिन जो भी रिकवर करने में लगेंगे वो लगेंगे। अच्छा, उसके बाद होगा फिर। ठीक है सर, ठीक। ओके तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी और दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को कंपनी बहुत जल्द आप लोगों को यानी कि अपडेट देने वाली है कि कंपनी स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों कंपनी में यानी कि अभी भी हॉस्पिटल में हो सकता है उनको छुट्टी मिल गई होगी, आज शाम तक मिल जाएगी उनको छुट्टी और वो काफ़ी समय के बाद ऑफिस आएंगे। और जो भी आप लोग कह रहे थे हमारा ऐप चालू नहीं हो रहा, तो बता देते हैं दोस्तों कि अभी जो आपने भी सुना है कि कंपनी में सर्वर डाउन होने के वजह से कंपनी का ऐप जो है वो बंद हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, बंद हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। तो आपको हम बता देते हैं जो मोबाइल ऐप है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइव मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज टूर इंग्लैंड का, जो लाइव ऐप मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों अपने ऐप से जाकर के कि जो लाइव मैच चल रहा है वो आप लोगों को चल सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जिसके ऐप नहीं चल रहे वो दोबारा डिलीट करके अनइंस्टॉल करके उनको दोबारा से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ताकि हो सकता है आप लोगों को ऐप दोबारा से फिर से चालू हो जाए, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं जो है कंपनी ने यहाँ पे चालू कर दी हैं और बहुत जल्दी कंपनी यहाँ पे बहुत आगे चलने वाली है। और कंपनी का कहना है कि कंपनी ने जो भी वादे किए हैं वो कंपनी ने निभाए हैं और हो सकता है दोस्तों आप लोग भी चिंता ना करें और अपने
अपने SW11 के साथ में जुड़े रहें और काफ़ी सारे समय के बाद में कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ने जा रही है, और जितना हौसला आप लोगों को मिलना चाहिए। और एक बात और बता दें दोस्तों कि अगर भी अभी भी आपने पूरी वीडियो देख ली है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हो सकता है मैं आपके लिए और भी कुछ खास लाने वाला हूँ दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।